हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMPF और EPF, यानी CMPF मतलब कि कोल माइंस प्रोविडेंट फंड और EPF मतलब एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इन दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों ही एक तरह से सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, यानी मतलब कि एक तरह से आपका जब आप रिटायर होते हैं उसके बाद जो आपको पैसे मिलते हैं उस टाइम पे जो पैसे काम आते हैं वो यही पैसे काम आते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम दोनों के बारे में इस बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर समझे हम थोड़ा सा, CMPF यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, ये कोल सेक्टर में काम करने वाले इंप्लॉइज का ही करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो। जैसे कि कोल इंडिया में जो इंप्लॉइज काम करते हैं उनका CMPF करता है, और अगर हम DVC जो दामोदर वैली कॉरपोरेशन है उसका जो कोल का बिजनेस है उसमें जो लोग काम करते हैं उनका भी CMPF करता है। इसके अलावा सेल में कुछ लोगों का करता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज में जो कोल एक तरह से कोल मतलब जो कैप्टिव माइनिंग होती है उनका भी CMPF करता है। फिर अगर हम EPF की बात करें, EPF जो है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये प्राइवेट सेक्टर के जितने एम्प्लॉइज है सबका EPF करता है। तो इसमें हम अगर मेजर डिफरेंस समझें तो क्या है, सबसे पहले CMPF जो है वो CMPF एक्ट 1948 के तहत करता है, और ये कितना करता है, ये 12% ऑफ बेसिक प्लस DA, यानी आपकी जितनी बेसिक और DA मिला के सैलरी है उसका 12% आपकी सैलरी से हर महीने कटेगा, और ये आपकी सैलरी स्लिप में भी शो होगा, ये आपको दिखेगा आपकी सैलरी स्लिप में भी शो हुआ, और 12% यानी इसके मैचिंग का ही कंट्रीब्यूशन आपका इंप्लॉयर, मान लीजिए इन केस आपका इंप्लॉयर कोल इंडिया है तो वो भी 12% बेसिक और DA का आपके इस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करेगा। अगर हम EPF की बात करें तो EPF जो है वो 1952 एक्ट के तहत करता है, और ये कितना करता है, ये भी 12% करता है बेसिक प्लस DA का इंप्लॉय की सैलरी में से, इंप्लॉय की जो सैलरी है उसकी सैलरी स्लिप में से आपको दिखेगा कि 12% कटा हुआ है उसके बेसिक और DA अमाउंट का। दूसरी बात, अब अगर हम पेंशन की बात करें तो पेंशन कोल इंडिया में यानी कोल इंडिया में कटती है, वो कितनी कटती है, वो 7% कटती है बेसिक और DA का, जिसको कि कोल माइंस पेंशन स्कीम बोलते हैं, वो 7% आपके बेसिक और DA का कटती है, और इतना ही कंट्रीब्यूशन यानी जितना ही कंट्रीब्यूशन कटा है ये आपकी सैलरी स्लिप में शो होगा, ये आपकी सैलरी स्लिप में नहीं दिखेगा, और ये भी 7% आपका इंप्लॉयर आपके अकाउंट में डाल देगा, मतलब कि आपका जो CMPS अकाउंट है उसमें डाल देगा। अब यहां पे अगर बात करें, यहां पे पेंशन अलग से नहीं है, जो आपका 12% इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, 12% इंप्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना है, उसी में से 3.67% प्रोविडेंट फंड में जाता है, और 8.33% ये EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ये आप जब आपका प्रोविडेंट फंड की पासबुक देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, लेकिन 15,000 तक ही, मैक्सिमम 15,000 तक ही 8.33% लेंगे, जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगा वो किसमें जाएगा, वो आपके प्रोविडेंट फंड में ही चला जाएगा, मतलब इसमें यहाँ इसकी तरह कोई अलग से पेंशन नहीं है। और यहाँ पे जो पेंशन मिलती है वो आपको मैक्सिमम 45,000 तक मिल सकती है, मैक्सिमम अमाउंट उसकी, मतलब फिक्स है सीलिंग, और यहाँ पर जो सीलिंग फिक्स है वो 7,500 तक ही फिक्स है, यानी 7,500 तक ही आपको मैक्सिमम पेंशन मिल सकती है। फिर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, जो आपका प्रोविडेंट फंड जमा हुआ है उस पर लगभग 8.65, ये मतलब ये वेरिएबल होता है, ये 8.6% मान लेते हैं रफली, आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और यहां भी लगभग उतना ही 8.65 आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको अपना जितना आपका प्रोविडेंट फंड कटा है उस पर उतना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जब आप रिटायर हो जाएंगे तो तब आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का जो डाउट आता है वो इस बारे में जो डाउट है वो डाउट हम देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, क्या CMPF और ये EPF जो है क्या हम इनको बीच में निकलवा सकते हैं? हाँ, इसका आंसर है हाँ, हम इसको बीच में निकलवा सकते हैं। कब निकलवा सकते हैं? कुछ केसेस हैं जब हम इनको निकलवा सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं निकलवा सकते, कुछ परसेंटेज निकाल सकते हैं, यानी 50% आपका कंट्रीब्यूशन या 75% आपका कंट्रीब्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। और किन केसेस में निकाल सकते हैं? जब कोई शादी है, मतलब आपके लड़के लड़की या आपकी खुद की शादी है, फिर आप किसी एजुकेशन मतलब एजुकेशन के लिए आप इसको निकाल सकते हैं,
या किसी इलनेस के केस में आप निकाल सकते हैं, बीमारी के केस में आप निकाल सकते हैं, जैसे अभी COVID-19 आया हुआ है तो ईपीएफ आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने ईपीएफ निकाला है। फिर हाउस बिल्डिंग के लिए आप इसको निकाल सकते हैं। फिर क्या ईपीएफ को भी हम निकाल सकते हैं? हाँ, तो ईपीएफ को भी हम निकाल सकते हैं। और कब निकाल सकते हैं? यही चार केसेस हैं जब हम इसको निकाल सकते हैं। और एक नया अब ऐड हुआ था COVID-19 वाला जो केस है, उस केस में हम इसको निकाल सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसको निकाला भी था अभी, मतलब जो प्रोविडेंट फंड है वो बहुत सारे लोगों ने जब उनकी नौकरी चली गई थी तो उन्होंने निकाला था, यूज किया था। फिर जो दूसरा सबसे बड़ा डाउट आता है, क्या जब हम रिजाइन कर देते हैं तो हमें ये अमाउंट मिलेगा? हाँ, जितना जब आप रिजाइन कर देते हैं आपका जितना अमाउंट कटाया है विद इंटरेस्ट, आपको वो पूरा का पूरा अमाउंट मिलेगा। फिर एक और डाउट आता है, जो CMPS है, अगर हम रिजाइन कर देते हैं बीच में, जैसे कुछ लोग अभी पूछ रहे हैं कि अगर हम बीच में रिजाइन कर देते हैं तो क्या हमको CMPS मिलेगा? तो जो ये पेंशन है इसके लिए आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस रिक्वायर्ड है, तभी आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप रिजाइन कर देते हैं तो आपको एक लम सम अमाउंट जो है वो आपको आपका जितना कंट्रीब्यूशन हुआ है उसके बेस पे आपको एक लम सम अमाउंट ये मिल जाएगी। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे भी हमारा जो पेंशन वाला पार्ट है उसको भी हम निकाल सकते हैं अगर हम रिजाइन दे देते हैं तो। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। अगर इसके अलावा आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।